आउट कर दिया गया है सिलेबस से, WBCS के सिलेबस से। आप हाजरीन को मालूम है, आप तो सब पढ़े, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। अरे भाई, हम तो जात का कसाई, सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। हमसे ज्यादा आप लोगों को मालूम है कि गुज़िश्ता साल कांस्टेबल के लिए जो इम्तिहान हुआ हमारे बच्चों ने दिया, हमारे एक बच्चे ने भी एप्लीकेशन जमा की इम्तिहान के वक्त, जब उन्हें क्वेश्चन पेपर दिया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि जितने हिंदी मदर टंग से पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां, जितने उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां, इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां, सब अपनी आंखों में आंसू भर के ब्लैंक पेपर जमा देकर चले आए, इसलिए कि जो क्वेश्चन पेपर छपा था वो सिर्फ बंगला और नेपाली में छपा हुआ मिला था। जिन बच्चों ने दिया है आप उनसे मालूम कर सकते हैं। 8 बजे के बाद मेरी बेटी आएगी, अपनी स्टूडेंट सबको लेके आएगी, वो भी आपके सामने बताएगी। फूड सेफ्टी ऑफिसर, फर्स्ट क्लास ग्रेडेड ऑफिसर का, उसने दोनों पेपर का इम्तिहान पास किया, बाद में उन्हें बंगला में फेल कर दिया गया, आउट कर दिया गया। अभी वो PhD कर रही है, कैंसर पर रिसर्च कर रही है। तो हम लोग भूखा रह गए, अपने बच्चों को इसी उम्मीद पर पढ़ा रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़कर लिखकर कुछ बनेंगे, उन रोजगार से जुड़ेंगे, हमारा बुढ़ापा का सहारा होगा। लेकिन उस पर भी हुकूमत ने, हमारी मसीहा ने ताला लगा दिया। दोस्तों और अजीजों, हमारे बहुत सारे मुकर्रर अफराद, हमसे अच्छे अच्छे बोलने वाले, अच्छे अच्छे जानकार लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने आपके सामने उर्दू मजलिस ने जो फैसला लिया है, हमारा जो दो मुतालबा है, वो पहला मुतालबा यह है कि साबिका कवानीन के मुताबिक गुज़िश्ता साल जिन सिलेबस की बुनियाद पर WBCS का इम्तिहान लिया गया था उसे बहाल किया जाए, एज इट इज 10 साल तक रखा जाए, और ये 10 साल का मौका हमारे बच्चों को दिया जाए ताकि वो बंगला जुबान पढ़कर कम से कम उसमें कुछ कुदरत काबिलियत हासिल करें। पहला ये मुतालबा है। और दूसरा मुतालबा, तमाम नॉन बंगाली मीडियम स्कूल्स, उर्दू मीडियम स्कूल्स, हिंदी मीडियम स्कूल, संताली मीडियम स्कूल्स, उसके अलावा यहाँ उड़िया मीडियम स्कूल भी है, तमाम स्कूलों में दर्जे अव्वल से लेकर दर्जे 2 अज़्ज़म तक थर्ड लैंग्वेज या फिर ऑप्शनल लैंग्वेज के हिसाब से बंगला को चालू किया जाए, वहाँ टीचर प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि कोई कहता है क्लास 5 से, मैं एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन नहीं हूँ, मैं माहिर तालीम नहीं हूँ भाई, लेकिन इतना जरूर तजुर्बा है कि मेरी माँ बंगाली, मेरा बाप हिंदी वाला, दोनों जुबान यानी उर्दू वाला, माँ का ताल्लुक मुर्शिदाबाद से, बाप का ताल्लुका उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, मैं उर्दू भी बोल लेता हूँ, आप लोगों की दुआओं से बंगला भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने अपनी बच्चियों को बंगला भी पढ़ाया, अंग्रेजी भी पढ़ाया, हिंदी भी पढ़ाया, उर्दू भी पढ़ाया, क्योंकि मुझे मालूम है, तजुर्बा है। मैं सरकारी मुलाजिम भी रह चुका हूँ, रियासती सरकार का मुलाजिम रह चुका हूँ, रिटायर कर चुका हूँ, कि आने वाले वक्त में ऐसा होने वाला है जो आज हो चुका है। तो कोई कहता है क्लास 5 से, अब सवाल यह है कि क्लास 5 में एक बच्चा जब चले आता है तो उसका कम अज कम उम्र 10+ हो जाता है। वो 10+ होने के बाद बोर्नो पूरी जो है, जो जिस तरह उर्दू का पहला किताब होता है, हम लोग बोलते हैं उर्दू का कायदा अली बे ते से है।